वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में मजीद फीडर बसें चलाने का हुक्म। पहले मरहले में 100 फीडर बसें चलाने के फैसले की असूली मंजूरी। रुकन नियाज बेग बस टर्मिनल के मनसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला की ज़ेरे सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट से मुतालिक आला सतह का इजलास। इको फ्रेंडली अर्बन बस मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। बल्दियाती बिल की पंजाब असेंबली से मंजूरी का मामला। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने 23 रुकनी कमेटी कायम कर दी। तहरीक इंसाफ, नून लीग, काफ लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल। कमेटी का इजलास पंजाब असेंबली में आज तलब कर लिया। आईपीपी के मुआहिदों में फ्रॉड का स्कैंडल। साबिक डीजी एफआईए के मतलूब मुलजिम उमर फारूक से राबते का इंकशाफ। एफआईए लाहौर ने बशीर मेमन और दफ्तर खारजा के दो अफसरान को यकम जनवरी को तलब कर लिया। उमर फारूक नामी मुलजिम पर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे। एफआईए के मुताबिक 2019 में साबिक डीजी बशीर मेमन ने उमर फारूक का नाम इंटरपोल की लिस्ट से निकलवाया था। और तलबा के लिए अच्छी खबर। महकमे हायर एजुकेशन का जिमनी इम्तिहानात पास करने वाले तलबा को कॉलेज में एडमिशन देने का फैसला। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जिमनी इम्तिहानात पास करने वाले तलबा को कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अगले माह इंटरमीडिएट के जिमनी इम्तिहानात के नतायज का ऐलान होगा।